वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 7 की ये इंग्लिश का एक मॉडल पेपर आपके सामने है, और ऐसे मैंने कई मॉडल पेपर आपके डाल रखे हैं और सारे सारे आपको मिल जाएंगे 7वीं क्लास की प्लेलिस्ट में। तो आप जरूर रहिए, इंग्लिश के जितने भी मैंने मॉडल पेपर डाल रखे हैं उन सभी को देखना, आपके काफ़ी फायदा मिलेगा और इनमें से आपको जरूर रहिए प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, और ये एक रियल पेपर नहीं केवल एक मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर की तरह इसको देखें। आई हैव 1 रुपीज नोट, इसमें आपको बताना है एन द का प्रयोग करके। देखो वन आ रहा है इसमें, देखो ओ एन ई है, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है वो व हो रहा है, तो व आपके कॉन्सोनेट है, ठीक है, व्यंजन है, तो फिर आपके इसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे ये ओ का जो उच्चारण है ये ओ से होता, ठीक है, ए ई आई ओ यू के रूप में होता, स्वर के रूप में, तब हम ए एन का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, आई रिक्त स्थान ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया। तो आई विल हेल्प ओनली ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया। नेक्स्ट इज चूज द डिफरेंट साउंड, इसमें आपको डिफरेंट साउंड बताना है। ये लाइट है, देखो इसमें आई की साउंड अलग बतानी है, आई की लाइट है, फाइट है और काइट है। आई आई आ रहा है इसमें, जबकि इसमें ये फिट है, तो इसमें ई आ रहा है, तो ये वाला जो साउंड इसमें अलग हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर की मैंने पीडीएफ डाल रखी है, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी। और आपका पेपर होने के बाद में जो भी आपके पेपर हो जाए उसके ऊपर अपना और अपने ज़िले का नाम लिख के मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं, तो उसकी पीडीएफ आपको वापस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ बिजी। तो बिजी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। क्लोज का क्या हो जाए, क्लोज का मतलब होता है बंद होना, और इसका हो जाएगा आपका ओपन। आपको पूछे क्लोज का ऑपोजिट क्या होगा तो ओपन लिखना, और हैप्पी का पूछे तो सैड लिख देना, हैप्पी का क्या पूछे तो ऑपोजिट तो सैड लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मुझे एक वर्ड का ऑपोजिट बताना है, लव का, लव का ऑपोजिट कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, ऑपोजिट जेंडर, जेंडर बताना आपको ऑपोजिट। तो सन का तो हो जाएगा आपके डॉटर, सन का क्या होता है डॉटर, सन यानी पुत्र और डॉटर यानी पुत्री, वाइफ पत्नी, इसका हो जाएगा हस्बैंड, एच यू एस बी एंड हस्बैंड, और मदर का हो जाएगा आपके फादर, मदर का क्या हो जाएगा फादर हो जाएगा, और गर्ल का क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा, गर्ल का बॉय हो जाएगा। अब आपको बताना है ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर, आपके ये भी पूछ सकते हैं ब्रदर का, तो ये भी याद कर लेना, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर का आपको कमेंट करके बताना। एक आपको अंकल का भी याद कर लेना, यू एन सी एल अंकल, ब्रदर और अंकल का जो ऑपोजिट जेंडर है वो मुझे कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से कुछ प्रश्नों को ढूंढ के निकालना है, तो आपको ये पढ़ लेना है, फिर मैं आपको कुछ कीवर्ड आपको ढूंढ के उसका उत्तर में लिखना है। जैसे ये आपके व्हाट डू पीपल टेल अस, तो इसमें आपको ये देखना है कि पीपल टेल अस ये किस में लिखा हुआ है, तो पीपल टेल अस ये पहली लाइन में आ जाएगा, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द टू एनिमल्स, तो ये वाला उत्तर इसका पहला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर रवि, तो ये इसमें आपके आएगा, इसमें ये पूछ रहा है कि रवि के लिए जो डिफिकल्ट मुश्किल क्या थी, तो इसमें आपको ये ढूंढना है डिफिकल्ट ऑफ फॉर रवि, तो डिफिकल्ट फॉर रवि आपको इसमें ढूंढना है। तो डिफिकल्ट का ये यहाँ पे है रवि सेड, तो डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, तो ये आपके हार्ड एंड की मुश्किल हो जाएगा, तो ये डिफिकल्ट मुश्किल दोनों एक ही चीज़ है। फिर आपको ये बताना है क्रिएचर, तो ये हो जाएगा आपके प्राणी, और स्क्रीम का हो जाएगा आपके चीखना, और डे का हो जाएगा आपके दिन, ठीक है, ये आपको मीनिंग में बता देना है। अच्छा आपसे पूछ ले कि ये ड्रिंक का मतलब क्या होता है, तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना, और एक और पूछा आपके डर्टी, तो देखिए डर्टी का ऑपोजिट बताना मेरे को, डी आई आर टी वाई, इस डर्टी का ऑपोजिट कमेंट करना इसका उत्तर। नेक्स्ट आपके गद्यांश में से वह वाक्य लिखिए जिसका अर्थ होता है मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं, तो इसका ये हो जाएगा आपके वाई शुड आई पुट यूर यू टू टर्बल, ये वाला लाइन आपको इसमें लिख लेनी है। फिर आपके एक दूसरा गद्यांश आएगा, इसमें भी इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपके ये कि हु लाइक द इंटेलिजेंट पर्सन, तो ये आपको बताना है कि इंटेलिजेंट पर्सन वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, तो ये यहाँ पे आ रखा है कि मेनी ईयर्स एगो इंडिया वाज रूल्ड बाय द वाइज किंग अकबर ही लाइक, तो ये ही जो है यहाँ पे अकबर की लाइन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अकबर। फिर दूसरा है व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट, तो ये हो जाएगा आपके देवर टॉकिंग अबाउट मेंस नीड लाइक फूड एंड शेल्टर इटसी, तो ये देखो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है इसमें आपको मिल जाएगा देवर टॉकिंग अबाउट, तो ये वाली लाइन आपको पूरी इसमें लिख लेनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द
विच मीनिंग, जिसका मीनिंग ये वाला क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है बुद्धिमान यानी कि चतुर, तो ये हो जाएगा आपका क्लेवर हो जाएगा, क्लेवर का वाइज हो जाएगा WISE, क्लेवर का क्या होगा वाइज WISE, वाइज यानी बुद्धिमान होता है। आपको वाइज का आपको ऑपोजिट भी पूछ सकता है, यानी बुद्धिमान का ऑपोजिट मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पार्क का सिमिलर वर्ड बताना है, तो सिमिलर पार्क का क्या हो जाएगा गार्डन हो जाएगा, पार्क का गार्डन हो जाएगा, रॉयल गार्डन यहाँ पे आया था। फिर आपको चूजिंग सुटेबल आंसर नेक्स्ट, फिर आप क्या है ऑपोजिट बताना है। देखो बिग का क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, बिग का होता है स्मॉल, सैड का होता है हैप्पी, और डे का होता है नाइट, और वाइट का होता है ब्लैक। तो ये आपको ऑपोजिट बताना है, तो बता दिया आपने। अब आपको बताना है पुअर का ऑपोजिट, पुअर यानी होता है गरीब, और इसका ऑपोजिट होता है अमीर, तो अमीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कमेंट करके इसका उत्तर लिखें। फिर आपको वन वर्ड बताना है, हो वन हो सर्व फॉर मनी, एक व्यक्ति जो पैसे के लिए कार्य करता है सेवा करता है, तो ये हो जाएगा आपका स्लेव। दूसरा है द पैलेस वेयर चिल्ड्रन रीड, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जगह आपका स्कूल। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता है उसको कहते हैं ब्लाइंड। ए पैलेस वेयर हिंदूज गो टू वर्शिप, एक स्थान जहाँ पर जो हिंदू पूजा के लिए जाते हैं वो होता है मंदिर, तो टेम्पल हो जाएगा आपके। मेक प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसका आपको प्लूरल बताना है, तो मैंगो का क्या हो जाएगा मैंगोज हो जाएगा, और फिर आपके पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज, ठीक है, और बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स। ये तो आसान है। आपको जो बार बार पूछा जाता है चाइल्ड वाला CHILD, चाइल्ड का ऑपोजिट ये प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा CHILDREN, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। इसी प्रकार से आपको मैन का याद कर लेना है MAN का हो जाएगा MEN, इसी प्रकार से वुमन का याद कर लेना WOMN का WOMEN हो जाएगा। ये कुछ विशेष है, इनको आपको याद कर लेना है, तो ये प्लूरल में आपके काम आएंगे। जैसे आपको और याद करना है फुट का, फुट का होता है फिट, फुट का क्या हो जाता है फिट हो जाता है TOOTH, टूथ का हो जाएगा TEETH हो जाएगा, ठीक है, टूथ का टीथ हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष है, इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अप्रोप्रिएट जेंडर बताना है, इसमें आपको किंग का क्या होता है क्वीन हो जाएगा, किंग का क्वीन, मदर का फादर, मैन का वुमेन हो जाएगा, और ब्रदर का क्या होता है सिस्टर हो जाएगा, अंकल का आंटी हो जाएगा। अब आपको एक ऑपोजिट जेंडर बताना है, जैसे काऊ का पूछे तो बुल भी होता है और ऑक्स भी होता है, लेकिन आपको पूछे कि हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा HORSE, तो हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर आप कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। नेक्स्ट है फिर आपके, अच्छा डॉग का भी पूछ सकते हैं, डॉग का हो जाएगा बीच, कुत्ता का हो जाएगा कुतिया। नेक्स्ट है फिर अगला है आपके, इसमें आपको हिंदी अनुवाद लिखना है इनका। हॉर्स HORSE, हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, और WAL के वॉक यानी चलना टहलना, वेन वेन यानी कब। फिर आपको पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ आपके माय फैमिली की जगह पे, एक तो आपको विशेष तौर पे माय स्कूल के ऊपर याद कर लेना है, अपने स्कूल के ऊपर 10 वाक्य याद कर लेना है जो मैंने करवा रखा है, आपको वीडियो डाल रखा है इसका भी, और या एक आपको माय जो फेवरेट टीचर है माय फेवरेट टीचर के ऊपर भी आपको पैराग्राफ याद कर लेना है। फिर आपको एक स्टोरी ये एप्लीकेशन लिखनी है TC के लिए, एप्लीकेशन या तो TC के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर एक्सीडेंट या फिर अपनी जो बीमारी की एक्सीडेंट जो छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और एक आपके स्टोरी आएगी जो थ्रस्टिक रोग की स्टोरी दे रखी है यहाँ पे, ये थ्रस्टिक रोग की आप याद कर लेना। इसके अलावा आपको हंगरी फॉक्स की भी स्टोरी याद करनी है, आपकी हंगरी फॉक्स वाली भी स्टोरी आ सकती है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं आपके एप्लीकेशन। सबसे पहले लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, आपको नाम लिख देना स्कूल का नाम। फिर सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर, मेरे पिताजी का ट्रांसफर जयपुर हो गया है, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं अपनी पढ़ाई यहाँ जारी नहीं रख पाऊँगा, तो काइंडली इश्यू माई TC, मुझे अपनी TC इश्यू करवाएं। यू आर सबिडेंटली नेम डालना और क्लास डालनी, थैंकिंग यू करके डेट डाल देनी है। अच्छा आपका नाम क्या है मुझे बताना, देखिए कमेंट करके आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपने ज़िले का नाम और अपना नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर एक स्टोरी लिखनी है आपको, तो मैं थ्रस्टिक रोग की बता देता हूँ आपको। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक कौवा था, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, वह बहुत प्यासा था, एक दिन वह बहुत प्यासा था, वन डे इट वाज वेरी थ्रस्टी, तो प्यासा था तो वह इधर उधर उड़ेगा पानी की तलाश में, तो इट फ्लू देयर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। फिर उसने क्या देखा,
उसने एक बगीचे में एक गार्डन में एक जग देखा, इट सा ए जग इन ए गार्डन, लेकिन उसमें क्या था, पानी बिल्कुल कम था। इट फ्लू वह वहाँ पर उड़ा, और देर वाज सम वाटर इन इट, उसमें बहुत ही कम पानी था। इट बिग डिड नॉट रीच द वाटर, उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं जा रही थी। सो इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, इसलिए वो पानी नहीं पी सका। इट सा सम पेबल्स, उसने कुछ कंकड़ देखे वहाँ पास में, थोड़े कंकड़ देखे। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक आइडिया सोचा, प्लान बनाया, योजना बनाई। इट ड्रॉप्ड द पेबल्स वन बाई वन इन टू द जग, उसने एक एक करके वो जो कंकड़ थे वो पानी के अंदर डाले। द वाटर केम अप, पानी ऊपर आया। इट ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। एक लाइन और लिख सकते हो, द क्रो वॉज वेरी हैप्पी, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार के मैंने और भी पेपर आपके डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर है सारे के सारे। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ आपके यही पेपर आएगा, लेकिन इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसे केवल रियल पेपर ना समझे, इसको एक मॉडल पेपर है ये। ऐसा ही मैंने और भी पेपर डाल रखे हैं आपके इंग्लिश के, तो वो पेपर भी देखना, उसमें से भी आपके ये ग्रामर के जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे ऑपोजिट है, जेंडर है, प्लूरल है, एंड का प्रयोग है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी। इसके अलावा एप्लीकेशन है, स्टोरी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और ये जो नंबर है इस नंबर पर आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। पेपर होने के बाद में आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, अपने ज़िले का नाम लिख के फिर इसकी PDF या फिर अच्छा फ़ोटो खींच के भेज दें। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले पेपर के लिए।